स्वच्छ भारत हमारा संकल्प है। स्वच्छ भारत के लिए निर्माण के लिए हर एक का जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमारे विद्यालय के कुछ छात्र छात्राएं एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके मुख्य पात्र हैं गांधी जी, सूरज जोशी, भारत माता उर्वशी, मोदी जी शुभम, नाथुराम गोडसे गौरव, कार्यकर्ता स्नेहा, दीपिका, नितिन और आदित्य, और मैं वैशाली खरपाल एज अ नैरेटर। पहला दृश्य प्रारंभ होता है। एक कमरे में चरखा लगा हुआ है। गांधी जी प्रवेश करते हैं। भारत माता अंग्रेजी की गुलामी के जंजीरों में बंधी हुई हैं। भारत माता की यह पीड़ा महात्मा गांधी द्वारा देखी नहीं गई। उन्होंने कठिन परिश्रम कर भारत माता को इस पीड़ा से मुक्त कराया। भारत माता गांधी जी के समक्ष प्रकट होती हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करो माँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे इस गुलामी की जंजीर से मुक्त कर दो बेटा। ऐसे में जीवन व्यतीत करना काफी कठिन हो गया है। मुक्त करो बेटा, मुक्त करो। अवश्य माँ, अवश्य। हे मेरे देशवासियों, जागो, जगाओ, देश के खातिर एक हो जाओ। आओ हम सब मिल करके अपनी भारत माता को इस बंधन से मुक्त करें। आओ सभी लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दूसरा दृश्य आजादी के बाद। हमारे देश के लिए स्वाधीनता जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है स्वच्छता। हमारे देश की सड़कें, गलियां, नदियां, तालाबों का स्वच्छ होना बेहद जरूरी है। आओ हम अपने देश को गंदगी से मुक्त कराएं और एक स्वच्छ भारत का निर्माण करें। सफाई ही सफलता का मंत्र है। गांधी जी की प्रार्थना का समय हो जाता है। तभी नाथुराम गोडसे गांधी जी के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के स्थान पर अब एक मूर्ति स्थापित की जाती है। गांधी जी अब स्मारक हो गए। उनके विचार केवल भाषणों तक सीमित हो गए। आओ आओ हम सब मिलकर गांधी जी के स्वच्छ भारत मिशन की को पूरा करें। आओ हम सब मिलकर स्वच्छ भारत का निर्माण करें। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। समय बदलता गया, लोगों में जागरूकता की कमी हो गई। लोग इधर उधर जाने अनजाने गंदगी करने लगे। सब लोग सड़क में कूड़ा करते कहीं इधर उधर कूड़ा करकर फैलाने लगे। भारत माता का प्रवेश होता है। हे पुत्र, ये कैसी मुश्किल हाल पड़ी जिसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मेरा दम घुट रहा है, इस गंदगी को दूर फेंकाओ पुत्र। जब लोगों की परेशानियां बढ़ी तो लोगों ने सफाई करने की ठानी। अब लोग सफाई के प्रति जागरूक होने लगे। उन्होंने प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं। भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी जानते ही हैं कि 2 अक्टूबर को पोरबंदर की धरती पर एक युग का जन्म हुआ। वे किसी देश में सीमाओं में समाहित होने वाले व्यक्ति नहीं थे, वे विश्व मानव थे। महात्मा गांधी का ऐसा व्यक्तित्व पूरी दुनिया के लिए अचरज में था। महात्मा गांधी ने जो विचार दिए अपनी जिंदगी पे कसौटी पे कस के दिए। महात्मा गांधी प्रकृति के साथ संवाद करना सिखाते थे। गांधी जी के लिए आज़ादी से भी ज़्यादा स्वच्छता का महत्व था। उनके ग्राम स्वराज का सपना अधूरा ही रह गया। महात्मा गांधी की आइए हम सब महात्मा गांधी की बात को आगे बढ़ाते हैं। आज उनकी इच्छा पूरी करने के लिए क्यों ना कुछ कदम हम भी चलें। आज उनकी 145वीं जयंती को हम सभी ये वादा करें कि उनकी 2019 में
भारत को गंदगी से मुक्त कराएं व 150वीं जयंती पर उन्हें स्वच्छ भारत का उपहार दें। सभी लोग साफ सफाई में जुट जाते हैं। अपने आसपास सफाई को बनाए रखें। यदि कोई एक व्यक्ति अपने आस